मतलब बदतमीज लोग हैं मतलब हर टाइम, मतलब पहले मुझे ये परेशानी होती थी, मतलब ना नॉक करता ना कुछ होता, मेरे और सिमर के बेडरूम में आ जाता था। आज सिमर मर गई तो लाश उठा के ले गया, मतलब तबाही मचा रहा है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन पिछले 1.5 साल हो गया, तो जो शो करते हुए साल हो गया, तो साल भर से वो फ्रस्ट्रेशन था। आज पहले भी निकाल चुका हूँ एक दो बार, तो ये बेचारा मौका देखता रहता है कब प्रेम के ऊपर ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकले, बट मैं ऐसा कुछ गलत काम करता नहीं हूँ। तो दे दिया और घर से निकाल दिया। तो बट जोक्स अपार्ट, मुझे कहीं ना कहीं हमेशा आई एम ऑलवेज शॉक कि अमर ऐसा क्यों कर रहा है, वट एवर ही इज़ डूइंग। लेकिन क्या होता है कि आपको उस द हीट ऑफ दैट मोमेंट इज़ टू हाई, उसमें क्या होता है कि आप थप्पड़ मार देते हो, घर से निकाल देते हो। लेकिन जब बाद में आपको रीजंस पता चलते हैं कि वाई ही डिड दैट, तब आपको लगता है कि आपने गलत किया। तो मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला। इतनी बार ऐसा हो चुका है, मतलब 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि प्रेम अमर के ऊपर शक करता है, बाद में उसकी गलतफहमी दूर होती है और सिमर के समझाने पर हमेशा मुझसे आके माफ़ी मांगता है। तो क्यों करते हो तुम ऐसा यार, जब बाद में माफ़ी मांगना पड़ता है? मुझे मज़ा तब आया था जब मैं ठाकुर बना था, तो मैं बहुत मारता था इसको। ठीक है, भाई का थप्पड़ चल जाता है। भाई को मैम अभी तक तो नहीं मारा, मौका मिलेगा बताओगे, किताब बराबर करोगे, मौका देने। तो सुनार की और एक भूल जाता है ये, मतलब मेरे घर में मेरी बीवी को लेके गया अभी, तो भूल जाता है ये चीज़ है, तो इसको मैं याद दिला दूँ। यार मैं सबको पता है, ऑडियंस को पता है, हमारी माता जी को पता है, सबको पता है कि मैं हमेशा जो भी करता हूँ, चाहे मैं कितनी भी आपत्तिजनक सिचुएशन में पकड़ा जाऊं, लेकिन वो होती भारद्वाज परिवार के भले के लिए। कहने का मतलब होता है ना कि इन एवरी सिचुएशन यू नीड अ पंचिंग बैग, सो ही इज अ पंचिंग बैग जस्ट बिकॉज़ आई एम स्ट्रांग डजंट मीन दैट ही ड्रिंक्स बोनवीटा।